फरा आप किधर बैठी हुई हैं? जी यहाँ मैं आई थी, मैंने सोचा वीडियो कुछ रिकॉर्ड करें, लेकिन मैं जी यहाँ बैठ के इतना सुकून मिल रहा है कि मैं इस तरफ गई नहीं। इतना पीसफुल है। और अच्छा, यहाँ पर बैठ के ठंडक का एहसास और ज्यादा हो रहा है, क्योंकि मिट्टी है ना और पौधे हैं। तो ये ऑक्सीजन मैं ले रही हूँ, क्योंकि वापस जाने के बाद इतनी क्लीन एयर हमें नॉर्दर्न एरियाज में शायद मिल पाए। तो ये गार्डन का और हिस्सा आपको दिखाते हैं आधे में, फिर आप कहेंगे मैं बुराइयां कर रही हूँ। बल्कि मैं चाहती हूँ कि पाकिस्तान इतना ही अच्छा हो जाए, पाकिस्तान इतना अच्छा है, इससे भी ज्यादा अच्छा है। खूबसूरत बात है, उसके साथ जुल्म बड़ा हुआ है। और ये किस चीज का पौधा है? ये अनार है। अनार है, इसमें अनार अभी नहीं आए। नहीं, इसके भाई इसका क्योंकि सेकंड ईयर है, तो इसके फूल आके गिर गए हैं। अब अगले साल से इस पे अनार आएंगे। हाँ, और ये देखें, लेमन है यहाँ, लेमन लाइम लाइम है जिसको हम क्या। इसकी अच्छी बात ये होती है कि इसके जो इसकी फूल की खुशबू है ये जास्मीन की तरह होती है। आप सूंघिए इसको, वाह, ये फूल जैसी खुशबू है। और है लीमू, और ये सिट्रस लेमन है। हाँ, ये सिट्रस है। लाइम को हम बताएं क्या बोलते हैं? ये अमरूद है। अमरूद है। अच्छा, अभी उग रहा है, अभी बड़ा होगा। अच्छा, इसमें और ये वाइल्ड ऐसे इसमें, हाँ, जानबूझ के रखा, क्योंकि इससे इससे होता है कि पानी जो ना ये कंटेन रहता है नीचे। अच्छा, ये साइंस है। और ये भी लेव लाइम है। ये खुद मैंने 3 साल पहले बीज दफन किया था सिट्रस का। जबरदस्त। तो ये आज मैंने आपको दिखाया वो अंजीर। अंजीर तो पाकिस्तान में भी बड़ा रेयर लगता है जी। अंजीर है, मुझे याद है जब मैं छोटी थी। वत्ते ही नहीं वजह तो है ना, हमारे घर पे वत्ते ही नहीं। हाँ, ये तो अच्छा, बड़ा खूबसूरत है। और ये देखें, यहाँ पर इस तरह की जिंदगी है, इस तरह की लाइफ है। नेचर के करीब रहना पसंद करते हैं लोग, अपने घर पे चीज़ें लगा के ऑर्गेनिक तरीके से खाते हैं, तो हमें भी ऐसा करना चाहिए। तो यहाँ से मैं बहुत सारा कुछ सीख के जा रही हूँ, साथ साथ आपको भी सिखा रही हूँ। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़। वाओ, ये वाइल्ड बेरीज हैं? नो, ब्लैकबेरीज। ब्लैकबेरीज हैं, नाइस। और इनको हम ऐसे भी खा सकते हैं, क्योंकि ये किसी फीड के बगैर हैं। सो यम्मी, बहुत सारी हैं। वाओ, बहुत मज़े का डिश है, यम्मी। गार्डन भी आपको दिखाते हैं साथ साथ। ये गार्डन लगा हुआ है, अभी दूसरी इधर ही है, इसी तरफ है। अच्छा, ये हैं काली मिर्च? नहीं, खट्टा मीठा बहुत मज़े का। एक ये काली मिर्च है? नहीं नहीं नहीं, ये ओलांडा के एक वो है, एक हर्ब है। Okay. जिससे जिसको उसमें बनाते हैं, इससे जैसे मामलेट होता है ना, इस तरह से एक चीज़ बनाई जाती है जैम की तरह। जबरदस्त। और ये देखें, मैंने ये जो है ये शिमला मिर्च है, ये वाली। ओ, ये देखें, छोटी सी मिर्च लगी हुई है, क्लोज करके दिखाते हैं। बल्कि ये भी है, सी कितनी खूबसूरत लग रही है। और ये देखें, टमाटर इतने सारे हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। और जो पके हुए आते हैं भाई, अंदर जा सकते हैं ना? इसमें भी कोई फीड नहीं है, आई थिंक पके हुए उतार लिए जाए। ये देखे, इस साइज के टमाटर हमारे यहाँ नहीं होते। ये थोड़े थोड़े से हैं, बल्कि पक चुके हैं। इसको वाओ, मैं पहली दफा ये काम कर रही हूँ, और वो पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान से बाहर आके। ये भी उतार लिया हमने, जबरदस्त। इसको यही रख देते हैं, वापस आके उठाते हैं। आगे और भी चीजें। अच्छा, ये भी शिमला मिर्च है, उस तरफ से ये टमाटोज हैं, ये दूसरी तरह के। अच्छा अच्छा अच्छा, ये दूसरी शेप के टमाटोज हैं, ऐसे मुझे लगा मिर्च। देखिए अभी ये थोड़े थोड़े कच्चे। और ये खीरे? ये खीरे, खीरे जमीन के अंदर नहीं लगते क्या? क्या मतलब खीरे जमीन के अंदर, जैसे मूली गाजर लगते? नहीं नहीं नहीं, खीरे जड़ थोड़ी है। खीरे तो खीरा दरख्त, बेल है। खीरे जो है ना, वो सुकीनी खीरे, तरबूज, ये एक ही नस्ल से हैं। अच्छा, और ये देखे इस पे कितने सा, ये एक और शेप के हैं। हाँ, ये छोटे, इसको भी तोड़ लेते हैं, क्योंकि ये फिर वो हो जाएंगे। ये तो बिल्कुल सुर्ख हो चुके हैं, पक्के। ये देखे, आतिफ भाई को आना चाहिए कैमरे पे, जो जिम्मेदार है इस। ये हमें एक यही रख देते, फिर एक बास्केट लाके ना, ये दूसरी तरह के हैं, ये दूसरी तरह के हैं, फिर एक बास्केट लाके इन सबको उठा लेंगे। ये रखते, और इसमें किसी किस्म का वो होते ना, खाद वगैरह का इस्तेमाल नहीं है, ये नॉर्मल है। अच्छा जी, ये कौन से वाली गोभी आतिफ भाई? ये बंद गोभी है या फूल गोभी है? बंद गोभी है, ये सारी बंद गोभी। अच्छा, इसके अंदर वो फूल निकले? बंद गोभी है। अच्छा, ये बंद गोभी है। फूल गोभी भी हम कल सुन रहे थे आपने लगाई। ये सब गोभी है, और इधर फ्रूट्स भी तो हैं। ये बैंगन था ना, ये यहाँ से बैंगन तोड़ा। हाँ, ये बैंगन का पौधा है। हाँ, कल हमने बैंगन तोड़ा था, आपको दिखाई नहीं था। अभी और भी लगे हैं, ये देखिए, ये इस तरह से होता है। ये वाला है, ये एक फूल सा बन जाता है, उसके अंदर से फिर ये
पौधा निकलता है, बहुत खूबसूरत है ये सेब। आप कितने खूबसूरत लग रहे हैं, वाह। अभी ये पक चुके हैं, इसका कलर ग्रीन है, सितंबर सितंबर लाल हो जाएंगे ये। अच्छा, ये लाल हो जाएंगे, लाल हो जाएंगे ये। इसका नाम है योना गोल्ड। ओके, इस रंग के होंगे, लाल सुर्ख, लाल सुर्ख हो जाएगा। अच्छा, और क्या क्या है इस किचन का? आप पहले वो अपना दम उतार ले। ये कीवी है और ये दो पौधे जो हैं ये वाले, ये फीमेल है, ये दो फीमेल है और ये मेल। नहीं, अच्छा, वो मेल है, ये मेल है। तो इनमें क्या फर्क होता है? मतलब दोनों के फूल डिफरेंट होते हैं। जो 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 फीमेल है फल इस पे आएगा, फूल सब पे आएंगे, लेकिन फल इस पे सिर्फ आएगा, उस पे सिर्फ फूल आएंगे। देखिए अल्लाह की कुदरत, पौधों में भी मेल फीमेल है। और ये गुलाब भी दिखा दे। हाँ, ये गुलाब अभी नहीं है, सच गुलाब इतना खूबसूरत है, अच्छा बना हुआ है। और ये देखिए कितने मजे की चीज है, हरी मिर्चें देखना आपसे खूबसूरत लग रही, यहीं से तोड़ी हैं हमने शायद आज। बिल्कुल ऐसे ही, इसका नाम भी ऐसे, ये लाल भी हो जाती हैं। हाँ, ये पक के लाल हो जाएंगी फिर। ओके, ये है, फिर साथ ही ये दरख्त है, ये किस चीज का है? ये चेरीज है, ये चेरीज है। अभी इसका मौसम नहीं, नहीं है, खा लिया हमने, खा ली है, खत्म हो गई, क्योंकि जुलाई में था इसका, जुलाई में था। आगे चलते हैं। वाओ, अंगूर की बेले भी है। ये आपने पूरा अपना फार्म हाउस बनाया हुआ यहाँ पे, दरअसल गार्डन से बढ़ के फार्म हाउस हो गया। चेक करें ना, वाह वाह वाह, क्या बात है। इसको जरूरत नहीं होती क्योंकि यहाँ पर डस्ट वस्ट भी नहीं है, तो आप ऐसे खा सकते हैं, लोग खाते हैं ना। जी जी। और ये और बेरीज लगी हुई है, ब्लैक बेरीज, ब्लैक बेरीज तो मुझे बड़ी फेवरेट है। जब भी मैं बाहर आती हूँ खरीद के खाती हूँ, यहाँ पे इतनी सारी लगी है। सुबह यही दही में डाल के ना इसका नाश्ता करना है मैंने, इंशाल्लाह। ये पीच नहीं, एप्रिकॉट कुछ और ही है, आलू बुखारा, आलू बुखारा, आलू बुखारा को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? वाला प्लम्स, प्लम्स अम्मा बहुत शौक से खाती है, जर्मन कहते हैं फ्लाउमन। ओके, इस ये इस पे कब किस ये लगा हुआ है? हाँ, लेकिन हमें वो है ना, अब तो ये हम खा चुके हैं, इसको फिर नहीं हाँ। हम करते, ये परिंदे खुद ही खाते हैं, परिंदों के लिए। वो वाली साइड भी तो है, वो भी दिखा दो। ये जो है इधर, ये जो है ये रसबेरीज है। कौन सा वाली? ये सारी, ये रसबेरीज लगी हुई है। अच्छा, ये लगी हुई है छोटे पौधे। और ये जो फूल लगे हुए, ये हमने मैं वाइल्ड इसलिए रहने देता हूँ क्योंकि इससे जो बटरफ्लाईज और छोटे कीड़े आते हैं। बटरफ्लाईज कल मैंने देखी थी बहुत, आज आपको यहाँ पर नजर आएगा शाम में, अगर थोड़ी जब यहाँ दिन ढलेगा तो शायद यहाँ पर आपको जुगनू भी नजर आएंगे, जबरदस्त। और यहाँ मैं आपको एक और मजे की बात बताऊँ कि रात जो ढलती है, जैसे मगरिब होती है, तकरीबन 9 बज जाते हैं वो जाते जाते रोशनी, अभी हाँ अभी इन दिनों में। और विंटर्स में तो विंटर में बहुत छोटी हो जाएगी रात, उल्टा हो जाएगा ना। अच्छा जी, गार्डन का ये वाला हिस्सा भी आपको दिखाते हैं। यहाँ पर है फूल गोभी, ये है फूल गोभी, इसके अंदर होती है ना, और वो बंद गोभी है, और ये चेरी टमाटर है। अच्छा, बाहर खरबूजे भी हैं, जब मैं आई थी तो मैंने देखे खरबूजे, ये देखिए कितने खूबसूरत चेरी टमाटोज लगे हुए। ये भी थोड़ा सा पकने दें या उतार लें? ये थोड़ा सा, एक तो खराब हो गए तो हम बाकी उतार लेते हैं थोड़ी देर में, ले आते हैं बकेट और आपको खरबूजे दिखाते हैं। और आज आपने देखा कितना जबरदस्त हमने आपको विजिट कराया इस गार्डन का। तो ये जो टमाटर आपने अभी देखे हैं वो इस पौधे से उतारे गए थे, और इस पे अभी भी, अच्छा यहाँ चेरी टमाटोज भी, अगर यहाँ पे हम करके दिखाएं तो इसके अंदर चेरी टमाटोज भी, कितने खूबसूरती भी पक चुके हैं, ये और खूबसूरत लग रहे हैं, इनको उतार लेते हैं। ये दूसरे वाले टमाटर हो गए, ये कितना अच्छा प्लांट लगा है, और लाइव प्लांट है ये। और ये देखें जी, ये खरबूजे हैं, मैं जिस रोज पहुंची हूँ उस रोज फ्रिज में रखा हुआ था, तो मैंने ये खरबूजा खाया था, थोड़े डिफरेंट टेस्ट है। ये पक्के हैं या वेट करना? वो पक्के हैं, वो पक्के हैं, ये आज हम खाएंगे, इसको खा के आपको टेस्ट बताएंगे। और ये देखिए धनिया भी लगा हुआ है, ये भी धनिया की, ये मुख्तलिफ लगाए हैं जड़ी बूटियां मुख्तलिफ तरह के। और ये भी है, बहुत सारे प्लांट्स हैं, बहुत ग्रीन है, वो सूखी नहीं है, वाओ वो वाली। और ये हमारे यहाँ तो बहुत महंगी मिलती है, तो ये भी यहाँ रख देते हैं, अंदर लगती है ना, लगी हुई है, नाइस, अच्छी खासी लगी हुई है, खा भी चुके ना, हर दिन में क्या हो जाती है।